बच्चों, हाउ आर यू। आज हम आपको सुनाएंगे लोमड़ी और सारस की कहानी। एक बार की बात है, एक स्वार्थी लोमड़ी थी। उसने डिनर के लिए एक सारस को अपने घर पे आमंत्रित किया। सारस निमंत्रण से बहुत खुश होकर समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया और अपनी लंबी चोंच के साथ दरवाजे की घंटी बजाई। लोमड़ी तुरंत ही उसे खाने की मेज पर ले गई और दोनों के लिए चौड़े चपटी तश्तरी में सूप परोसा। जैसा कि कटोरा सारस के लिए बहुत एकदम चपटा था, सारस अपनी चोंच से सूप बिल्कुल भी नहीं पी पाया। लेकिन चालाक लोमड़ी ने पहले अपना और फिर सारस का सूप जल्दी से चाट लिया। यह देख सारस नाराज और परेशान था, लेकिन उसने गुस्सा काबू में कर उनसे विनम्रता से व्यवहार किया। अगले दिन लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए उसने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। इस बार उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार सूप को दो लंबी गहरी सुराइयों में परोसा गया। सारस ने अपने चोंच उन गहरी सुराई में डाली और झट से सूप पी लिया। लेकिन लोमड़ी ने अपनी गर्दन उसमें नहीं डाल पा रही थी, वह कुछ भी सूप नहीं पी पा रही थी। लेकिन अब तक लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह शर्मिंदा थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एक स्वार्थी कार्य बाद में आपको भी दुख पहुंचाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।